अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर, आपने भी JCB के माध्यम से कंपनियों के सामने खुदाई का कार्य शुरू किया है, तो क्या कार्य चल रहा है, किस तरह की जांच की जा रही है सर खुदाई के जरिए? तो मीडिया के माध्यम से निरंतर इस आशय की खबरें प्रकाशित होती रही हैं और जिला प्रशासन के पास पहुंचती रही है कि औद्योगिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों द्वारा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ा जाता है जो कालांतर में जाके नाले में मिलता है और क्षिप्रा नदी में जाता है। कलेक्टर साहब इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और उसी को दृष्टिगत रखते हुए डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है उसी की तलाश हम लोग कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने काफ़ी दिन पर मेहनत की थी और आज भी देख रहे हैं, हमने चार चार JCB लगा रखी है। एक्चुअली इंडस्ट्री से जीरो डिस्चार्ज होना चाहिए, वो अपना एक गिलास पानी भी नहीं मार पा रहा। ये जो लाइन पड़ी हुई दिख रही है आपको, वो बाढ़ के वर्षा के पानी की निकासी के लिए है। तो अभी वर्षा का मौसम तो है नहीं, फिर भी उस लाइन में पानी कहाँ से आ रहा है ये चिंता का विषय है और इसी के सर्च हम लोग कर रहे हैं और ये निरंतर हम लोग करते रहेंगे जब तक हम लोग उसको पकड़ ना लें। एक कंपनी पर सर कार्रवाई भी की गई है सर, क्या पंचनामा? अभी एक कंपनी पर अरिहंत इंजीनियरिंग करके है, वहाँ से डिस्चार्ज निकलता हुआ पाया गया, पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा तैयार करने पर यदि सम्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी।